इम्पोर्टेड हुकूमत को पंजाब में बजट पास कराना मुश्किल हो गया। दिन भर के हंगामे और 6 घंटे की ताखीर के बाद बजट इजलास शुरू हुआ। स्पीकर ने गैर मुंतखब रुकन अता तारड़ को ऐवान से निकलने का कहा। लीगी रहनुमा ने रिटाई का मुजाहरा करते हुए स्पीकर के अहकाम ना माने। परवेज इलाही ने कहा कि जब तक अता तारड़ ऐवान से बाहर नहीं जाएंगे इजलास शुरू नहीं होगा। स्पीकर ने आज 1 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्कों में हल्का बंदियां की जा रही है कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से हुक्म लेने जाता है। ये इलेक्शन से पहले ही धांधली का प्रोग्राम बना रहे हैं। इमरान खान का किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा इनका मकसद अब धांधली से इलेक्शन जीतना है। जो वाशिंगटन से हुक्म आएगा वो मानना है। हमें पता है कि हर छुट्टी वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ जाकर डिक्टेशन लेता है। मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत देते हैं। दौरे रूस इमरान खान हुकूमत के गिरने की वजह बनी। रूसी सफीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा इमरान खान का मॉस्को में होना और यूक्रेन पर हमला एक इत्तेफाक था। अगर इमरान खान को हमले का पता होता तो वो उस दिन कभी ना जाते। चेयरमैन पीटीआई बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी हैं और वह अपने लोगों की बेहतरी चाहते हैं। मौलाना फजलुर्रहमान को बड़ा झटका। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शिरानी ने पीटीआई से इत्तेहाद कर लिया। दोनों जमातों के दरमियान केपी हाउस में मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा कि मौलाना शिरानी और वक्त का खैर मकदम करता हूं। दोनों जमातें मकासद के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। पंजाब ज़मीनी इंतखाबात, कप्तान ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। पीटीआई उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। पीपी 217 की खाली नशस्त पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 170 और पीपी 237 पर टिकट्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्माद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। कौमी असेंबली में लोटों की शामत आ गई। इमरान खान ने मुनर्रिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी करार देने की इस्तेदा। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा। 63,000 मुलाजमीन को मुस्तमिल करने की मंजूरी। 10 लाख मुस्तहक खानदानों को रियायती नर्ख पर राशन दिया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने केपी का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 16 तक पुलिस शौदा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी। 418 अरब रुपये का तरक्याती बजट मंजूर। नौजवानों को 25 अरब रुपये के कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वजीर कहते हैं 3 साल में सूबे की आमदनी में 3 गुना इजाफा किया। नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत होशुबा महंगाई के बावजूद IMF को मनाने में नाकाम। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के बजट पर एतराज़ कर दिया। कर्ज की किस्त भी रोक ली। आलमी इदारे ने टैक्स मराज वापस देने का मुतालबा कर दिया। FIA का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 22 जून को होगा। इजलास में पाकिस्तान को कर्ज फराहमी का एजेंडा शामिल ही नहीं। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। मिफ्ता इस्माइल को चैन ना आया। कहते हैं डीजल पर 53 रुपये और पेट्रोल पर 23 रुपये नुकसान हो रहा है। अगर कीमतें ना बढ़ी तो IMF भी मुआहदा नहीं करेगा। बजट के आफ्टर शॉक्स, बिजली का नया झटका। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3.99 रुपये महंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह की हिदायत पर FIA साइबर विंग में पेश हो गए। PSUJ के सदर भी इनके हमरा थे। सीनियर एंकर पर्सन ने अपना जवाब जमा कराया। FIA अफसर ने कहा आपका चैनल सीज करना चाहते हैं। समी इब्राहिम ने जवाब दिया FIA को ये अख्तियार नहीं है कि वो आज़ादी राय पर पाबंदी लगाए।
कोयटा के नवाही इलाके स्पेन का रेस पे चार कारकुन अफवाह, मखियों में दो माइनिंग इंजीनियर्स भी शामिल, अफवाह होने वालों का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। प्री मानसून बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। हरनई, कोहलू, दुक्की, बारखान, मुसाखेल और सरहदी पहाड़ी इलाकों में सैलाब। हरनई में राबता पुल और बंद बह गए, मुतादित घर भी सैलाबी रैली की नजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।